न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS पर, मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक बार फिर राजधानी की हवा हुई जहरीली, लग सकता है ग्रैब। बैठक में अधिकारियों की गैर मौजूदगी से नाराज हुए अनिल। यूपी में एनकाउंटर नहीं, हत्याएं हो रही हैं, अखिलेश यादव। आई देखते हैं खबर विस्तार से। एक बार फिर राजधानी की हवा हुई जहरीली, लग सकता है ग्रैब। दो दशहरे के बाद से दिल्ली का एक वायल लेबल खराब श्रेणी में पहुंच गया है, जिसके लिए 3 दिन पहले दिल्ली NCR में ग्रैब एक लागू किया गया था। उसमें कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया था। दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर से खराब हो गई है, जिसके चलते जल्द ही ग्रैब 2 लगाया जा सकता है। यदि ग्रैब 2 लागू किया जाता है तो यह डीजल जनरेटर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है और ग्रैब 1, 2, 3 और विभिन्न स्थितियों में लागू होते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बैठक में अधिकारियों की गैर मौजूदगी से नाराज हुए अनिल विज। पत्रकारों से बात करते हुए अनिल विज ने कहा कि बैठक में नहीं शामिल होने के लिए अधिकारियों से जवाब मांगा गया है, अगर इसमें किसी तरह की लापरवाही मिली तो कार्यवाही भी होगी। अनिल विज ने आगे कहा कि वो चाहते थे कि अधिकारी बैठक में मौजूद रहे ताकि काम की बात हो सके। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन को मिलकर विकास का पहिया चलाना है। आई बढ़ती अगली खबर की ओर। यूपी में एनकाउंटर नहीं, हत्याएं हो रही हैं, अखिलेश। यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहराइच एनकाउंटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को बिगाड़ दिया गया है। सपा ने पुलिस को बेहतर करने के लिए डायल 100 समेत कई सुविधाएं दी, कई कार्यालय दिए। उन्होंने कहा कि जब भी जाँच होगी तो उस पर कार्रवाई भी होगी और दोषी जेल भी जाएंगे। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जिसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब फ्लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त तो चला दर्शकों, ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS News TV पर। ये है MNS News नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS News।